एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक वेक्टर पे, ठीक है। क्योंकि अपनी डीएससी की तो सीरीज चल ही रही है, क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक और छोटा सा कंसेप्ट, जैसे हम सैट में पढ़ा है, तो अभी जरूरत है वेक्टर को लाने की, कि हो सकता है हम आगे आने वाले क्वेश्चन में वेक्टर जरूर यूज करें, ठीक है। और वेक्टर कोई बड़ी चीज नहीं है, वो फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है भाई ये, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मजा आएगा। मीन्स आपका काम अब और आसान होने वाला है, ठीक है। वेक्टर एरे जैसा ही होता है, आपका काम बहुत आसान होने वाला है। ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते, समझ लेते हैं वेक्टर और उसके बाद बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे बताता हूँ, ये जो मीन्स बेसिकली वेक्टर होता क्या है, बिल्कुल एक सरल सी भाषा में अगर मैं बताऊँ ना, वेक्टर भैया कुछ नहीं है, लिंक लिस्ट और हमारे एरे एरे का कॉम्बिनेशन है वेक्टर, समझे। और सॉरी, मैंने लिंक लिस्ट यूज कर दिया, आप सबको भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो लिंक लिस्ट को आप मारो गोली, आप डायनेमिक यूज करो, ठीक है। डायनेमिक मीन्स इस वेक्टर को हम बिल्कुल सरल भाषा में कह सकते हैं डायनेमिक एरे। डायनेमिक मतलब पता है ना, जो चेंज होती है समय के साथ, ठीक है। तो जैसे एरे एरे में क्या होता था, हमारा हमेशा एक प्रॉब्लम रहता था कि भाई 50 फिक्स कर दिया तो 50 के आगे जा ही नहीं सकता, ठीक है। पर वेक्टर में ऐसी कोई चिंता नहीं, इसीलिए इसे डायनेमिक कहा गया है, कि ये मीन्स एरे जैसा भी काम कर सकता है, ये बिल्कुल एरे जैसा ही काम करता है, ठीक है। और डायनेमिक भी है कि हमने कोई इनिशियल वैल्यू, जैसे इधर 50 हमने इनिशिएट कर दिया था, कोई जरूरत नहीं इधर वैल्यू इनिशिएट करने की, आप बिना इनिशिएट करना जितना भरना है उतना भरते रहो, कोई टेंशन नहीं इस बार। एरे में हमें चिंता थी, इस बार नहीं है इसीलिए। और सबसे अच्छी बात कि ये भी एरे टाइम भी ज्यादा नहीं लेता, जितना एरे टाइम लेता है उतना ये भी टाइम लेता है, तो ये भी हमें सबसे अच्छी चीज मिल गई। और डायनेमिक होने के साथ साथ, जैसे हम एरे से मांगते थे, भाई एरे थर्ड पोजिशन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, बता देता था भाई, तो वैसे ही वेक्टर भी ये काम कर देता है, ठीक है। और वेक्टर में हमें एक और सुविधा मिली, मान लो तुम्हें वैल्यू इनिशिएट पहले से करना, जैसे आपने एरे में इनिशिएट कर दिया भाई 85 हमें चाहिए, आप वेक्टर में भी कर सकते हो, मीन्स टू इन वन, जो काम उसको आप बोलो वो करेगा, उसको डायनेमिक बनाना है बनाओ, स्टैटिक बनाना है बनाओ, जो करना है वो करो, ठीक है। उसका फंक्शन अंदर का अलग है, वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। पर आपको फील आ जाना चाहिए भाई ये वेक्टर है क्या, एरे का कुछ नहीं है, प्रो वर्शन है, ठीक है। अल्टीमेट वेक अल्टीमेट एरे, मेंटेन अल्टीमेट होता था ना, तो अल्टीमेट वेक्टर अल्टीमेट एरे, ठीक है। मीन्स उसका डायनेमिक आ गया, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं है, थोड़ा बहुत प्यारा सा सिंटेक्स चेंज है, जिसने मैप किया है उसको पता है कि मीन्स कैसे सिंटेक्स होने वाला है वेक्टर की, बिल्कुल सिमिलर ही है, ठीक है। सिंटेक्स और उसके बाद कैसे हम वेक्टर में वैल्यू इंसर्ट कराते हैं, वो थोड़ा सा अलग है एरे से, ठीक है, वही अलग है। तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए एरे की डिक्लेरेशन और सिंटेक्स टैग्स कैसे एरे के अंदर हम सॉरी वेक्टर के अंदर हमको सारी चीज डालनी है, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इधर ही मीन्स कोड करके दिखा दिया है, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है वेक्टर का, ये है भैया सिंटेक्स, ठीक है। जैसे मैप का होता है, मैप का क्या होता है, मैप इंट कॉमा एम, या आप कह सकते हो सेट इंट कॉमा एस, ठीक है। वैसे ही वेक्टर का भी है, इधर इंट होना कंपलसरी नहीं है, एर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये था बेसिकली वेक्टर का सिंटेक्स, ठीक है। अब वेक्टर को डिक्लेयर करने की, ये डिक्लेरेशन ही है, सबसे बेसिक डिक्लेरेशन है, जिसमें आप देख सकते हो कि एरे की तरह ये नहीं है। एरे में हमें क्या करना पड़ता था, एरे 50 लिखना पड़ता था, ठीक है, इंट एरे 50। वेक्टर में कोई जरूरत नहीं है, वेक्टर में आप देख सकते हो कोई जरूरत नहीं है, ये डायनेमिक है, इसमें हमें इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और कर भी सकते हैं। तो और भी तरीके हैं वेक्टर को डिक्लेयर करने के, जैसे एक वेक्टर का तरीका ये है कि मुझे एरे जैसे डिक्लेयर करना है, भाई इधर मैंने 5 डिक्लेयर कर दिया क्योंकि मुझे 5 ही इंसर्ट करते हैं, मुझे पता है अपने आप को, मुझे क्लियर है 5 इंसर्ट करना है, तो मैंने स्टैटिक के तरीके से बिल्कुल एरे वाली फीलिंग के लिए कर दिया, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में ही हम कह सकते हैं भाई वेक्टर को, वेक्टर के कंपोनेंट्स को मैं पहले से लिख सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, वेक 2 5 0, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, हमें क्लियर था कि हमें हमारे हमारे वेक्टर में कितने स्पेस होने चाहिए, सिर्फ 5, और मुझे ये भी क्लियर है कि सब में मुझे एक ही वैल्यू देनी है, 0 ही देनी है, तो मैंने इधर 0 लिख दिया। मीन्स आप वेक 2 को अगर आप देखो तो ऐसा होगा, वेक 2 0 0 0 0 0, मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे,
ठीक है, मुझे अगर एक ही साथ सबको काम करना है, जैसे हम यूज करते हैं वो, मान लो कोई कोई भी क्वेश्चन में जब अल्फाबेट वाले आते हैं, इसमें 26 हमें इनिशिएट कर देना पड़ता है पहले से ही कि ABCD में सबको, मैं पहले ही अनविजिटेड है तो सबको 0 से इनिशिएट कर देता हूँ, दे देते हैं। ठीक है, तो छोड़ो छोड़ो ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि अगर 0 है मीन्स 0 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मीन्स हमें सारे एलिमेंट सारे वेक्टर के एलिमेंट को अगर सेम वैल्यू डिक्लेयर करना है तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वेक्टर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आप एरे को एक्सेस कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते ना कि भाई अब एरे ऑफ 2 है ना उसको 5 कर दो, इधर वेक्टर में भी सेम ही कहानी है, आपको ये जो वेक्टर 1 है ना उसमें ये 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स को चेंज करना है, तब आप कर सकते हो। 1 मिनट में थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये हो रहा है, छोड़ो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको थर्ड एलिमेंट को अपडेट करना है तो आपने करके इधर बस, ठीक है, और उसके बाद इसको भी अपडेट करने के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्टली आप कर सकते हो जैसे एरे वाला तरीका, और एक तरीका है ऐड का यूज करके। ठीक है, दोनों ही बहुत ही प्यारे तरीके हैं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ अब ठीक है, अच्छा मैं समझ गया, उसका उल्टा चलता है, ये हो रहा है। ठीक है, तो ऐड 3, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मान लो आप वेक में आप डाल दोगे, छठे नंबर पे आप डाल दोगे 10, ठीक है 10 डाल दोगे, पर इधर तो पहले से ही कितने सिर्फ 4 इंडेक्स तक ही चल रहा था, आपने छठे में कैसे किया, तभी आप ऐसा करोगे तभी गार्बेज वैल्यू दे देगा। ठीक है, पर अगर आप एट का यूज करके करोगे तब ये गार्बेज वैल्यू नहीं देगा, ये मीन्स कुछ एक्सेप्शन केस दे देगा। ठीक है, मीन्स गार्बेज वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस था। ठीक है, उसके बाद अब अपन बात करते हैं भैया वेक्टर में इंसर्ट कैसे कराएंगे हम एलिमेंट, जैसे एरे में इंसर्ट कराते थे, सेम यार लूपिंग यूज करना है आपको। ठीक है, क्योंकि वेक्टर में पहले से आपने डिफाइन नहीं किया तो उसका प्यारा सा एक सिंटेक्स है, मुझे अगर 10 नंबर इंसर्ट कराने हैं, 1 2 3 4 5 6 से टोटल 10 नंबर तक इंसर्ट कराना है, तो मैं बस पुश बैक करता रहूंगा, पहले 1 आया उसके बाद पुश किया मैंने दूसरे को, बस ऐसे हम पुश बैक के यूज करके कितनी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमें इनिशिएट नहीं किया है, कितनी भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा स्टैटिक वाला केस है कि हमें बिल्कुल एरे जैसा ही रखना है, तो एरे जैसी इसकी भी मीन्स क्या बोलते हैं, इसमें भी इंसर्टिंग एरे जैसा ही होता है। जैसे इधर देख लो, आपने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि बैक हमारा सिर्फ हमें 5 ही नंबर की जरूरत है। ठीक है, तो इधर 5 ही होंगे। ठीक है, इधर सॉरी मैंने गलती से, 1 मिनट, सॉरी मैंने गलती से 10 लिख दिया, इधर इधर मुझे लिखना चाहिए 5। ठीक है, तो इधर मैं ना 5 ही एलिमेंट को इंसर्ट करा सकता हूँ। ठीक है, तो यही था, ठीक है, इंसर्टिंग का केस, इसमें पुश बैक हमें करना है, और अपने अगर पहले से ही कर दिया तो बिल्कुल एरे वाला इंसर्शन है। ठीक है, उसके बाद हमें अगर पता करना है कि हमने इधर पुश बैक को तो कर दिया, अब हमें पता करना है कि इसकी साइज कितनी है, डायरेक्टली एक फंक्शन है विदाउट साइज, उसके बाद हमें पता करना है इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो इसके लिए भी डायरेक्ट फंक्शन है, और कैपेसिटी और साइज में बहुत डिफरेंस है, वो अभी मैं आपको तुरंत समझा रहा हूँ, रुको 2 मिनट वेट करो। उसके बाद अगर जैसे आप एरे को रिवर्स करते थे, ठीक है, वैसे ही अगर आपको वेक्टर को भी रिवर्स करना है तो ये प्यारा सा उसका डिक्लेरेशन है रिवर्स, जैसे आप रिवर्स एरे में करते थे एरे कॉमा एरे प्लस एन, वैसे ही इसमें थोड़ा अलग है, बिगिन और एंड है। ठीक है, और विदाउट इरेज इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 तो 6, अगर मुझे क्लियर है कि मुझे पहले 3 हटा देने हैं तो मैं बिगिन प्लस 3, ठीक है इधर तक ये हटा देगा इसे, ठीक है इतने एलिमेंट को ये इरेज कर देगा मीन्स निकाल देगा, और अगर आपको सारे एलिमेंट को वेक्टर से निकाल देना है तो चुपचाप विदाउट क्लियर फंक्शन यूज कर लीजिए। इतना ही था प्यारा सा वेक्टर, ठीक है, इतने ही सिंटेक्स होते हैं, एक दो और सिंटेक्स होते हैं पॉप वाले, ये सब होते हैं, ये सब आप सीख जाओगे समय के साथ, जैसे एक वी डॉट फ्रंट होता है, वी डॉट फ्रंट नाम से क्लियर है कि पहला एलिमेंट वैल्यू दे देगा, ठीक है पहले एरे वेक्टर के एलिमेंट की वैल्यू दे देगा, और वी डॉट बैक पीछे वाले वेक्टर की एंड लास्ट की वैल्यू दे देगा, वी डॉट पॉप आपको हटाना है हटाना पीछे से हटा देगा एक, ठीक है, तो ये सब बेसिक टर्म है, ये सब तो आ ही जाएंगे आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, मुझे सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे देना था वेक्टर का, जिससे आप बिल्कुल तैयार हो जाओ और जब क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल आसानी से कर लो। ठीक है, और इससे पहले मैंने बताया, मुझे एक बताना था कंसेप्ट कि भाई वेक्टर अपने आप को डायनेमिक कैसे करता है, उसका भी मैकेनिज्म जान लेते हैं, बहुत प्यारा सा मैकेनिज्म है, चलो देखते हैं।
तो चलो एक बार काम करते हैं, हम इधर देख लेते हैं कि 1 मिनट में क्या कर रहा हूं। वेक्टर की डिक्लेरेशन को, वेक्टर की सॉरी मैकेनिज्म को, ठीक है, वेक्टर की मैकेनिज्म को अगर हम देखें, मैकेनिज्म गलत स्पेलिंग लिख दिया है, कोई नहीं। अब जैसे अब मैंने वी डॉट पुश बैक कराया, ठीक है, वी डॉट पुश बैक 1, ठीक है, तब ये क्या करेगा, जब भी आपने लिखा तो अंदर काम हो रहा होगा, ये एक डब्बा खोलेगा, उसमें 1 की वैल्यू पुट कर देगा, ठीक है। अब आपने लिखा वो वी डॉट पुश बैक, ठीक है, ठीक है, तब फिर ये क्या करेगा, जिससे इधर एक डब्बा था तो इस डब्बे का डबल कर देगा, ठीक है, तो डबल अपने आप इसने, एक मिनट, इधर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक दूसरा डब्बा खोलेगा जिसके जिसकी स्पेस 2 होगी, ठीक है, दो डब्बों की डब्बे, तो एक तो पहले से आपने डिक्लेयर करके रखा था और 2 फिर वो पुट कर देगा, ठीक है। बेसिकली क्या करेगा, उसके बाद जैसे ये 1 है ना, तो 1 को इस डब्बे में कॉपी कर देगा, ठीक है। उसके बाद ई डॉट पुश बैक 3, जब ही आपने 3 डाला तब इस डब्बे की तो स्पेस खत्म हो गई, जैसे इस डब्बे में, तब ये वेक्टर क्या करता है, हमेशा अपने आपको डबल कर देता है, जैसे इधर 2 है, इधर 1 था, इधर 2 है, अभी अपने आपको डबल कर देगा। कैसे डबल करेगा, अब 4 डब्बों वाला नया खोल देगा वो अपने हिसाब से, तो 4 डब्बों वाला अलग से इसने एक एरे खोल दिया, ठीक है, तब इसमें अब क्या करेगा, ये 1 को कॉपी करेगा, 2 को कॉपी करेगा, और 3 आपने जो डिक्लेयर किया है वो इधर कर देगा, ठीक है, तो ये कितने 4 डब्बों की। उसके बाद जब आप इधर पुशबैक चौथा करोगे तब कुछ नहीं करेगा, ये 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, मीन्स सॉरी इसमें ये दूसरा डब्बा नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास एक स्पेस है, तो ये चौथा इसमें डाल देगा। अब जब फिर 5 डालोगे तब इसका डब्बा खत्म हो गया, तो 4 का डबल कितना होगा, 8, 8 डब्बों वाला ये एक और वेक्टर खोल देगा, ठीक है, तो ये 1 2 3 मीन्स इधर 8 डब्बे होंगे, ठीक है, 8 डब्बे, तो 8 डब्बे जब तक भरे ना तब तक इसमें भरता रहेगा, उसके बाद 16 आ जाएगा, मीन्स आप समझ रहे हो ना वेक्टर की मैकेनिज्म क्या है, हमेशा डबल हो रहा है, ठीक है। तो यही था बेसिकली वेक्टर का मैकेनिज्म, और जैसा मैंने बताया कैपेसिटी और साइज में क्या फर्क है, साइज आपको ये बताएगा कि आपने अगर 5 एलिमेंट भरे हैं तो 5 इसका साइज बता देगा, पर जो जो आपने 5 भरे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 है, क्योंकि इसने 8 डब्बे खरीद के रख दिए, ठीक है। तो यही था बेसिकली वेक्टर का मैकेनिज्म, और एक इनिशिएटिव आप सबको लेना पड़ेगा कि मीन्स, रुको मैं बताता हूँ आपको एक बार ढंग से, मैं कुछ बता रहा था इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है, तो देख लो कि इधर आपको मैं फील कराता हूँ एक बार कि कैपेसिटी और साइज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, मीन्स कैसे कैपेसिटी और साइज डिफर कर रही है। तो एक बार ये देखिए, ये कोड है हमारा प्यारा सा कोड, ठीक है, एक बार जूम कर देता हूँ इसे, ठीक है, ये जो आपको कोड दिख रहा है उसको जब मैं अगर प्रिंट कराऊँ, एक बार देखिए, एक बार मीन्स मैंने 10 तक कराया है, ठीक है, पुश कराया, उसके बाद एक बार प्रिंट देख लेते हैं, ये देखिए प्रिंट आ गया, ठीक है, एक बार इसे मैं क्या करता हूँ ऊपर उठा देता हूँ, ये देखिए पहले वाले में साइज 4, कैपेसिटी भी 4 है, ठीक है, जैसे 4 डब्बे इसने पहले से खरीद के रख लिए, ठीक है, एक मिनट, 4 नहीं है, ऊपर देखिए, पहला एलिमेंट आया तो 1 डब्बा, दूसरा एलिमेंट आया तो दूसरा डब्बा, तीसरा आया तो कैपेसिटी डबल हो गया, 4 हो गया, 4 कैपेसिटी 4, 5 आया तो 8 डाल दिया कैपेसिटी, तो जब तक 8 हो तब तक 8, फिर 9 आया तो कैपेसिटी 16 हो गया, 10 आया तो कैपेसिटी 16 हो गया, ठीक है। तो अब आप कुछ समझ रहे हो इस वेक्टर पे कितना ज्यादा लोड जा रहा है ऐसे करने में, कि क्या लोड जा रहा है इसमें, एक बार फिर से मैं थोड़ा इधर ये कर देता हूँ, भाई लोड क्या जा रहा है, तो देखो एक बार तुमने एक डब्बा बनाया, ठीक है, साइज 1 था, फिर डबल कर दिया उस डब्बे को, तो तुम इधर कॉपी कर रहे हो, 1 1 कॉपी कर रहे हो, और फिर इधर 2 एलिमेंट डाल रहे हो, जैसे मान लो उसके बाद आपका डब्बा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, फिर आप वापस कॉपी कर रहे हो 1 और 2 को इधर, फिर इधर इंसर्ट कर रहे हो, फिर आपका डब्बा 8 हो जाएगा, फिर आप वापस कॉपी कर रहे हो, वापस कॉपी कर रहे हो, वापस कॉपी करो, कितने बार कॉपी कर रहे हो, तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इस फैक्टर का, हम समझ रहे हो ना, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, क्यों 10 बार डब्बा खरीदना हमें, आप एक काम कीजिए, पहले से ही एक बड़ा डब्बा खरीद दीजिए, उसमें मीन्स वैल्यू को इंसर्ट करती रहिए, ठीक है, साइज का टेंशन ही मत लीजिए, आपको क्लियर होना चाहिए कितना बड़ा डब्बा होना चाहिए, उसको आप पहले से करके रख दीजिए, उसके बाद अपने उसके अंदर ऑटोमेटिकली
मीन्स जो भी आपके एलिमेंट्स है वो इंसर्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही फंडा है कि 10 बार जो कॉपी हो रहा है उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से ही एक फंक्शन आता है वेक्टर में जिसमें अपन रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले से ही कह दिया, मुझे क्लियर है कि मेरे वेक्टर में 1000 से कम ही होने वाले हैं, ठीक है, 1000 से कम ही होने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, बी डॉट अरे हाँ ठीक है, v डॉट रिजर्व मैं कर देता हूँ, पहले ही हमारा 1000 डब्बों का कैपेसिटी होने वाला है, मीन्स एक डब्बा 1000 होल होंगे जिसमें, ठीक है। तो अब देखो इसकी कैपेसिटी कितनी आती है, एक मिनट देखो मैं रन करता हूँ इसे। ये देखिए काम करता हूँ मैं, इसे बड़ा करता हूँ, ये देखिए। अब देखिए साइज वन हो मीन्स साइज जितना भी हो इसकी कैपेसिटी सेम रहेगी, मीन्स कॉपी का तो टेंशन ही नहीं, ठीक है। मीन्स अब प्रिंटिंग बिल्कुल नॉर्मल हो गया हमारा, ठीक है। तो यही फंडा था कि भाई आप एक ही बार में बड़ा डब्बा खरीद के रख दो, उसके बाद तो कोई टेंशन होगी नहीं, और मान लो 1000 के ऊपर भी चला जाता है तभी भी ये एडजस्ट हो जाएगा, ये क्या करेगा अपने आपको डबल कर देगा, 1000 से 2000 कर देगा। तो एट द एंड नो टेंशन, इसको कॉपी का भी टेंशन खत्म, मीन्स आप बिल्कुल एक सिंपल इजी सा तरीका ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यही था वेक्टर, होप आपको ये वेक्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल